प्याज और टमाटर जब हम भूनेंगे ज्यादा मतलब ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी कच्चा कच्चा रखना है। जब आप पोटैटो के साथ में मिलाकर खाएंगे ना, वो जो कच्चा कच्चापन ना थोड़ी सी दांत में जब हम बाइट करेंगे तो आना चाहिए, उसी में है मजा चाइनीज खाने में। इस शंघाई स्टाइल चिली पोटैटो को बनाने से पहले दो चीज़ें जरूर करना, मतलब ध्यान देना है। तो दो चीज़ें क्या है, एक तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना है, दूसरा आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना है वो देखना है। आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप करते हो आगे, तो होता क्या है कुछ छूट जाता है, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनता नहीं है आपका ना। कई सारे कमेंट्स आया था मेरे पास में, शेफ हमने बनाया था लेकिन वैसा नहीं हुआ, कैसे होगा, कंटिन्यू देखिए तब वैसे होगा जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही आलू काट के रखा हुआ है, पानी में भिगो के रखा, आप भी भिगो के रखना। ये आलू को जब हम पानी में भिगो के रखता होता क्या है, आलू ना क्रिस्पी हो जाता है, मतलब काटने में अच्छा भी लगता है और क्रिस्पीनेस आ जाता, कड़क आ जाता है, इसीलिए हम आलू को पहले ही काट कर पानी में भिगो के रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है शेफ तमंग कुकिंग शो में, मैं हूँ शेफ तमंग। तो आज हम बनाएंगे, पहले ही बता दिया, शंघाई स्टाइल चिली पोटैटो, बहुत ही मज़ेदार डिश है। वीडियो को पहले भी बताया मैंने, आपका मर्जी है स्किप करेंगे तो नहीं करेंगे तो आपका ही डिश अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना मतलब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज शंघाई स्टाइल चिली पोटैटो। पहले हम आलू काटेंगे, आलू को जैसा मैं काट रहा हूँ वैसा काटेंगे, ध्यान से देखेंगे दोनों साइड कैसे निकालना है आपको, यहाँ से भी थोड़ी सी निकालना है क्योंकि हम अच्छे से डिजाइन बना के काटेंगे। ये जो है डाइस कट भी बोलते हैं इसको, थोड़ा छोटा छोटा काटेंगे इसको। देखिए ये जो बाकी जो वेस्टेज है वो आप अपने घर पर सब्जी बना लेना, सब्जी बनाने के टाइम में डाल दीजिएगा। ये देखिए ऐसे करना है, अब ये बीज में से काटना है, बड़े बड़े आलू ले लीजिएगा। देखिए अब ये इसको ना बीज में से ऐसे काटना है, इतने बड़े बड़े हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए एक दो, देखिए इतने मोटे मोटे आपको काटना है इस तरीके से। देखिए इस आलू को हाफ बॉईल करना है, क्यों हाफ बॉईल करना है, अभी जब हम फ्राई करेंगे आधा वहां पर पक जाएगा, इसी से सुपर क्रिस्पी भी होगा मज़ेदार भी होगा। आलू को मैंने 5 से 6 मिनट बॉईल किया है, देखिए ये हो चुका है। अब करना क्या है, इसको निकाल कर इसमें ठंडा पानी में डालना है। ठंडा पानी में डालने के बाद में तुरंत निकालना है आपको, पानी में मतलब ठंडा पानी में नहीं रखना है। अब इसको अच्छी तरीके से स्टैंड करना है, एक भी पानी नहीं रहना चाहिए आपका, तो आप पेपर नैपकिन से पानी निकाल सकते हैं, बिल्कुल पानी नहीं चाहिए हमें, इस तरीके से रखना है। बिल्कुल स्टैंड हो चुका है, देखिए पानी भी नहीं, इसी तरीके से पानी सुखाना है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसको मैरिनेशन करेंगे थोड़ा। 1 स्पून आपको कॉर्नफ्लावर डालना है, कॉर्नफ्लावर डालकर इसको मिलाना है, थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर और ऐड कर देंगे हम। 200 ग्राम पोटैटो बना रहे हैं तो 200 ग्राम पोटैटो के लिए 1.5 स्पून कॉर्नफ्लावर इनफ हो जाएगा। तो आपका ये रेडी है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, बस यही डालना है आपको। तो बिल्कुल पक चुका है, अब आपको इसको निकालना है। इसी नॉन स्टिक पैन में हमने फ्राई किया था तो ऑयल ऑलरेडी पड़ा है। 1 स्पून आपको गार्लिक चॉप डालना है, हाफ बॉल चॉप ऑनियन, हाफ बॉल टमाटो चॉप, थोड़ी सी हम ऑयल ऐड करेंगे, छोटा सा बॉल हम पानी ऐड करेंगे यहाँ पर। 1 स्पून हम चिली सॉस डालेंगे, रेडीमेड चिली सॉस है, सिराचा चिली सॉस। 1 स्पून हम टमाटो सॉस भी ऐड करेंगे। स्टाइल चिली पोटैटो को जो टेस्ट है वो स्वीट सावर स्पाइसी होता है, हम इसमें सिराचा चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप भी सिराचा चिली सॉस ऐड करिए, सिराचा चिली सॉस जो है स्पाइसी होता है, शंघाई बोलेगा तो स्वीट सावर स्पाइसी। देखिए टेंगी फ्लेवर मैंने टमाटो सॉस डाला है यहाँ पर, उससे क्या टेंगी फ्लेवर आएगा, तो हमें ज़्यादा टमाटो सॉस डालने की जरूरत नहीं है, खट्टापन भी डालने का जरूरत नहीं, क्योंकि टमाटर हमने डाला है उसका खट्टापन आएगा। और प्याज और टमाटर जब हम भुनेंगे मतलब सौते करेंगे तो क्या है, ज़्यादा मतलब ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी कच्चा कच्चा रखना है। जब आप पोटैटो के साथ में मिलाकर खाएंगे ना, वो जो कच्चा कच्चापन ना थोड़ी सी दांत में जब हम बाइट करेंगे तो आना चाहिए, उसी में है मज़ा चाइनीज खाने का। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हम शुगर ऐड करेंगे, थोड़ी सी चाइनीज सॉल्ट, आप नहीं भी डाल सकते हैं, चाइनीज सॉल्ट ऑप्शनल है। इसके जगह पर आप आरोमेटिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम सोया सॉस ऐड करेंगे, ड्राई सोया सॉस।
सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम डालेंगे यहाँ पर जो हमने आलू फ्राई किया था उसको। ये देखिए बिल्कुल रेडी है शंघाई चिली पोटैटो। ऊपर में आप स्प्रिंग ऑनियन का गार्निश दे सकते हैं, ये कोरिएंडर का गार्निश भी दे सकते हैं, तो मैं कोरिएंडर का गार्निश लगा रहा हूँ, ठीक है ना। धनिया पत्ता। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।